हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मार्वल यूनिवर्स के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मैजिशियंस के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। बेशुमार इनक्रेडिबल पावरफुल कैरेक्टर्स से भरा पड़ा है। इन कैरेक्टर्स में मैजिकल पावर्स रखने वाले कैरेक्टर्स भी शामिल हैं। तो आज हम बात करेंगे मार्वल यूनिवर्स के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मैजिशियंस के बारे में। आमतौर पर स्कारलेट विच को सबसे पावरफुल मैजिशियन समझा जाता है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। मार्वल यूनिवर्स में स्कारलेट विच से कई ज्यादा मैजिकल पावर्स रखने वाले कैरेक्टर्स भी मौजूद हैं, और यही वजह है कि स्कारलेट विच इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाई। तो आइए शुरू करते हैं। माइकल एक डॉक्टर था। माइकल की वाइफ बीमार थी, वो साइंस की मेडिसिन यूज करते हुए उसे बचा नहीं पा रहा था। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने ट्राइब के तरीके को सीखेगा इस बीमारी के इलाज के लिए। सालों पहले माइकल ने इस तरीके को सीखने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इस तरीके में मेडिकल पावर्स को यूज किया जाता है। माइकल इसे बेकार समझता था, लेकिन अब वो इसे सीखता है और अपनी वाइफ का इलाज करता है। आगे चल के माइकल इन्हीं पावर्स का यूज करता है बीमारों के इलाज के लिए। आगे चल के माइकल एक हीरो बनता है और शमान के नाम से जाना जाता है। शमान कैनेडियन सुपर टीम को ज्वाइन करता है, जिसे एल्फा फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। अपनी पावर्स को यूज करते हुए शमान का अच्छी एनर्जी और नेचर के मैजिक के साथ एक यूनिक रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता है, जो इसे दूसरे मैजिकल कैरेक्टर से ज्यादा पावरफुल बनाता है। वो अपने साथ एक मेडिकल बैग भी रखता था, जिसमें मेडिकल आइटम्स मौजूद होती थी, जिन्हें जरूरत पड़ने पर शमान यूज करता था। गैरिको ड्रम कई साल तक US में एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम करता है, और फिर हेटी चला जाता है अपने टैग ब्रदर की आखिरी विश को पूरा करने के लिए। जेरिको के ब्रदर की आखिरी ख्वाहिश होती है कि जेरिको वुडो में ट्रेनिंग हासिल करे। जब जेरिको काफी हद तक ट्रेनिंग हासिल कर चुका होता है, तो उसकी सोल अपने डेड ब्रदर की सोल के साथ मिल जाती है। जेरिको का ब्रदर भी वुडो में ट्रेनिंग हासिल कर चुका होता है, और इस तरह वो दोनों ब्रदर वुडो बनते हैं। जेरिको मार्वल यूनिवर्स में हेटियन वुडो का सबसे अहम प्रैक्टिशनर है। मिस्टिकल आर्ट्स में इतनी महारत की वजह से वो आगे चल के सोर्सरर सुप्रीम बनता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, लेकिन वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। बाद में वो आगे चलकर लौट आता है एक्सिस इवेंट के टाइम पे। बात करें अगर जेरिको की पावर्स की, तो जेरिको के पास है सुपर एनर्जी, ड्यूरेबिलिटी, फाइटिंग स्किल्स, इंटेलिजेंस, सुपर स्पीड और सुपर स्ट्रेंथ। हाइपोरियन सोर्सरर को क्यूलिन याद के नाम से जाना जाता है। टेक्निकली वो मार्वल कॉमिक्स की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मार्वल यूनिवर्स में कई बार नजर आ चुका है, इसलिए क्यूलिन याद भी इस लिस्ट में शामिल है। क्यूलिन याद की सबसे बड़ी पावर है डार्क मैजिक की नॉलेज, जिसे दूसरे मैजिकल कैरेक्टर से ज्यादा पावरफुल बनाती है। इसके अलावा क्यूलिन याद कई सारी कॉस्मिक एंटिटीज से पावर हासिल करता है या उनसे चुरा लेता है। मार्वल यूनिवर्स में कई इवेंट्स के टाइम पर इस पर अटैक करके इसे मार दिया गया, लेकिन हर बार क्यूलिन याद वापिस आने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है। तो इस लिहाज से क्यूलिन याद के पास इमोर्टैलिटी भी है। अगाथा हार्ट ने सैलम विच ट्रायल्स की ओरिजिनल विचेस में से एक है। अगाथा हार्कनेस को जाना जाता है अपनी मैजिकल एबिलिटीज के लिए। हार्कनेस को अपनी पावर्स की मदद से लंबी उम्र मिल जाती है। इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की नानी के तौर पर, लेकिन वो मार्वल कॉमिक्स में स्कारलेट विच के टीचर के तौर पर ज्यादा पॉपुलर है। अगाथा हार्कनेस की पावर्स हैं एबिलिटीज ऑफ मैसमेरिज्म, फोरकास्टिंग, इल्यूजन कास्टिंग, और अगाथा के पास वास्ट नॉलेज ऑफ मेडिकल लोर भी है, जो इसे ज्यादा पावरफुल बनाती है। कर्नेला को नॉन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। कर्नेला को एस्कार्डियंस में सबसे पावरफुल मिस्टिक्स में कंसिडर किया जाता है। कर्नेला खुद एक एस्कार्डियन है और नॉनहेम रियासत की क्वीन है। एक एस्कार्डियन होने के नाते कर्नेला के पास भी सुपर पावर्स हैं, जैसे थोर और वेल्फ्री के पास हैं। कर्नेला के पास मिस्टिकल आर्ट्स और नॉन स्टोन्स की डीप नॉलेज है। इसके अलावा कर्नेला के पास एस्कार्डियन मैजिक भी है। कर्नेला की पावर्स हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एंड्योरेंस और हीलिंग फैक्टर। इसके साथ साथ लॉन्गेविटी और इम्यूनिटी टू ऑल डिजीजेस भी। इसीलिए कर्नेला इस लिस्ट में 6th पोजीशन पर है। हेलस्ट्रॉम को ज्यादातर सन ऑफ सतान के नाम से जाना जाता है। हेलस्ट्रॉम और इसकी बहन सताना को इनके फादर सतान ने खुद ट्रेनिंग दी थी। उन्हें डिफरेंट डेमोनिक मैजिक सिखाए गए ताकि ये हेल के पोटेंशियल रूलर बन सके। हेलस्ट्रॉम की ज्यादातर पावर इसके डार्क सोल से आती है, जो कि एक बर्थमार्क है इसके चेस्ट पर। डार्क सोल से मिलती है सुपर स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू प्रोजेक्ट सोल फायर और लिमिटलेस एनर्जी ऑफ हेल, जो हेलस्ट्रॉम को ज्यादा पावरफुल बनाती है। हेलस्ट्रॉम एक डायमंड होने के नाते से दूसरे मैजिकल यूजर से ज्यादा पावरफुल है, प्लस उसके पास डेमोनिक और मैजिकल आर्ट्स दोनों ही है। यही वजह है कि वो इस लिस्ट में शामिल है। लोकी एसगार्ड में अपनी मदर फ्रिगा से मैजिकल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेता रहा है। लोकी फ्रोस्ट जायंट्स की नस्ल से है, इसलिए उसमें कुछ हद तक एसगार्डियन पावर्स भी हैं। लोकी के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैजिकल एबिलिटीज हैं, जिन्हें वो और बढ़ाता रहता है नई आइटम्स की खोज करके, जैसे ट्वाइलाइट स्वर्ड, नॉन स्टोन्स और हत्ता के इन्फिनिटी स्टोन्स भी। लोकी MCU में भी डेजरेक्ट और माइंड स्टोन को यूज करता हुआ नजर आया है। थोर रैग्नारोक के इवेंट्स के टाइम पर लोकी ओडिन को अपने मैजिक के जरिए अर्थ पर कैद कर देता है, तो इससे लोकी की मैजिकल एबिलिटीज का अंदाजा लगाया
जा सकता है। नोकिया में एमसीयू में भी मुख्तलिफ टाइम्स पर अपनी मैजिकल एबिलिटीज को यूज करता हुआ नजर आया है। बात करें अगर लोकी की पावर्स की तो लोकी के पास है सुपर स्ट्रेंथ, मैजिकल एबिलिटीज, एक्सट्रीमली लॉन्ग लाइफ, इम्यूनिटी टू आई डिजीजेस। लोकी एमसीयू में अपनी पावर्स के साथ नजर आ चुका है, इसलिए हम सब लोकी के बारे में अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर डूम को पूरे प्लेनेट में सबसे ज्यादा पावरफुल साइंटिफिक माइंड रखने वालों में कंसिडर किया जाता है। साइंटिफिक नॉलेज के साथ साथ डॉक्टर डूम के पास मिस्टिकल आर्ट्स की डीप नॉलेज भी है। डॉक्टर डूम का अपनी पूरी जिंदगी में एक ही मकसद रहा है कि वो अपनी मदर की सोल को हेल से आजाद करवा पाए, और आखिरकार वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के मोस्ट पावरफुल विलन्स में से एक है। डॉक्टर डूम की पावर्स हैं जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, टेक्नोपैथी, एनर्जी अब्सॉर्प्शन एंड एनर्जी प्रोजेक्शन, नॉलेज ऑफ टास्क मिस्टिकल आर्ट। इसके अलावा डॉक्टर डूम को अपने आर्मर की मदद से मिलती है सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, फोर्स ब्लास्ट और फोर्स फील्ड जनरेशन। इतनी पावर्स के होते हुए डॉक्टर डूम मार्वल यूनिवर्स का थर्ड मोस्ट पावरफुल मैजिकल यूजर है। डॉक्टर स्ट्रेंथ के ओरिजिन के बारे में सब मार्वल फैंस जानते हैं। दूसरे मैजिकल यूजर्स की तरह डॉक्टर स्ट्रेंथ के पास भी मैजिकल और मिस्टिकल आर्ट्स की नॉलेज है। प्लस डॉक्टर स्ट्रेंथ ने इस पर सालों की ट्रेनिंग कर रखी है, जो डॉक्टर स्ट्रेंथ को मैजिकल और मिस्टिकल आर्ट्स में ज्यादा पावरफुल बनाती है। डॉक्टर स्ट्रेंथ अर्थ के सोर्सरर सुप्रीम है। एमसीयू में भी हमें डॉक्टर स्ट्रेंथ को डिफरेंट मैजिकल आर्ट्स को यूज करते हुए दिखाया गया है। डॉक्टर स्ट्रेंथ मैजिकल आर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। जब एक इवेंट पर जब अर्थ का मैजिक लॉस हो जाता है तो डॉक्टर स्ट्रेंथ दूसरे डायमेंशन के मैजिक को यूज करना सीख जाते हैं, जिसका एक वर्जन हमें वर्ल्ड वार कॉमिक सीरीज में भी नजर आया। जब हल्क को रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंथ दूसरे डायमेंशन के मैजिकल यूजर ज़ोम की पावर्स को यूज करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंथ की पावर्स में शामिल है टेलीकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन, प्रोटेक्टिव शील्ड और ऐसा ही बहुत कुछ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कमरताज में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका यूज करते हुए डिफरेंट मेडिकल आर्ट्स को परफॉर्म किया जा सकता है, तो इस तरह डॉक्टर स्ट्रेंथ वेरियस मेडिकल पावर्स रखते हैं। आईओ कागुमाटो यानी कि टाइम स्टोन के होते हुए डॉक्टर स्ट्रेंथ की पावर्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी मदद से वो टाइम को आगे और पीछे आसानी से कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंथ के पास डिफरेंट डायमेंशन को भी यूज करने की नॉलेज है, जैसा कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंथ मूवी में दिखाया गया, जिनमें से एक मिरर डायमेंशन भी है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपनी लिस्ट के नंबर वन कैरेक्टर पर। मार्वल यूनिवर्स में इतने ज्यादा पावरफुल मैजिकल यूजर्स होने के बावजूद भी एक कैरेक्टर है जो इन सबसे ज्यादा पावरफुल है। इस मैजिकल यूजर का नाम है मर्लिन। जी हाँ दोस्तों, मर्लिन मार्वल यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिकल यूजर है। मर्लिन एक यूनिवर्सल कैरेक्टर है जो हर डायमेंशन में अपने डिफरेंट वर्जन्स के जरिए कनेक्टेड रहता है। वो टाइम के अंदर और बाहर दोनों में एग्जिस्ट करता है। मर्लिन पूरे मल्टीवर्स में कहीं भी अपने मैजिकल आर्ट्स को यूज कर सकता है और उसके एक्शंस को वो चीज भी नहीं देख सकते। तो इन सब पावर्स के होते हुए मर्लिन मार्वल यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिकल यूजर है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। अगर आप इसी तरह के और ज्यादा ऑसम फैक्ट्स को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय। It's caught in the crossfire.